Hi students, this is KD sir from Shivam Education. First of all, Shivam wishes congratulations to all those who have passed 12th board exams, and also many happy congratulations to all those who have passed with very good marks, right? Double congratulations. Okay, now there might be one question. Ab kya 12th ke baad ab kya karna hai, right? Bahut logo ko confuse hoga, कुछ लोग कंफ्यूज कराते होंगे, राइट? सो वी हैव ब्रॉट सम, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू टू गिव सम डिटेल अबाउट व्हाट कैन बी डन आफ्टर 12th कॉमर्स. ओके, तो आज हम ये वीडियो के थ्रू आपको कुछ डिटेल्स देंगे जिससे आप तय कर सकते हो, कुछ फाइनलाइज कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो आपके काबिलियत के मुताबिक. बराबर, लेट्स सी नाउ. ओके, नाउ व्हाट आफ्टर 12th कॉमर्स. First, there are degree programs like BCom, BBA, BMS बोलो, BBA, LLB, BA, LLB और BCA. चलो, one by one देखते हैं. BCom, BCom stands for Bachelor of Commerce. It is degree level course, that is 3 years course, or almost most of the students they pursue this course BCom, right? ये जो आपने 12th commerce में जो पढ़ा, उसका depth level का study होता है BCom में, right? BCom is very much helpful for your practical मतलब job ये oriented होता है, तो it is very useful, right? So next is BBA BMS. Those students who are interested in management, that those students who are very good at speech or marketing or public relations, जिनको पसंद है वो, और जिनको खास जिनको business करना है, they prefer BBA, right? BBA BMS जो है आपको आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्किल्स है वो सिखाता है. तो दिस इज व्हाट बीबीए, राइट? आफ्टर 12th मेनी स्टूडेंट्स अप्लाइड, और ये अभी ये कोर्स का काफी अहमियत, काफी इंपॉर्टेंस आ गया है, राइट? नेक्स्ट बीए एलएलबी. एक्चुअली जिनको लॉ करना है, राइट, दोज हु वांट टू एसोसिएट इन द फील्ड सच एज कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन लॉ और ऑल दिस थिंग्स, तो ये अभी क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब एक 5 इयर्स का जो पैकेज जैसा देते हैं, जैसे जिसमें एक ग्रेजुएशन भी हो जाता है प्लस एलएलबी भी, दैट इज बीए प्लस एलएलबी. तो दोस हु वांट्स टू परस्यू एलएलबी कैन देन टेक दिस इंटीग्रेटेड 5 इयर्स प्रोग्राम. नेक्स्ट इज सेम सिमिलरली दोस हु वांट टू प्रैक्टिस विद कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, राइट, दोस हु वांट टू स्टार्ट देयर सेल्फ कंसल्टेंसी लाइक, so they can prefer this BBA plus LLB. This is also another integrated 5-year program. Okay, next BCA. जो बच्चों को कंप्यूटर में बहुत रस है, कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सब में, they must go for this BCA. BCA is Bachelor of Computer Application, and the BCA course is for 3-year degree level program that is undertaken by the students who learn coding and computer application development. राइट, नाउ ये जो है अभी काफी अच्छा इम्पोर्टेंस वाला है. जिन लोगों ने हाई स्कूल में मैथ लिया है उन लोगों के लिए ये बीसीए कोर्स है. नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्सेज, राइट? अब प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आप देखो तो सबसे टॉप पे सीए और सीएस है, और अभी ये सर्टिफाइड जो फाइनेंस ये वाला जो सीएफए कोर्स है ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये भी ऑलमोस्ट सीए के लेवल से है. नेक्स्ट है जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं वन बाय वन, तो सीए जो है अभी सबसे पॉपुलर प्रोफेशनल कोर्स में से है, राइट? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स परस्यू, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, अगर आपको अकाउंटेंसी में बहुत इंटरेस्ट है, आपको कुछ एक डिटर्मिनेशन पावर है, आपको बरोबर एक पावरफुल क्या बोलते हैं इसको परस्यू करने की जो आपके में स्ट्रेंथ है, तो देन प्लीज फॉलो दिस, राइट? और अगर इफ यू कैन रीड आउट योर कैपेबिलिटी देन ओनली यू डू दिस, आई विल आस्क रिक्वेस्ट यू, राइट? So CA is also one of the very high profile course, right? Employment wise dekhe to multinational companies mein bahut achhi achhi jagah pe job mil sakti hai, very high profile one, right? Same way company secretary, jaisa CA hai waisa hi company secretary, else kehne chahe to CA aur CS are the two pillars of any company, right? Agar finance aur accounts ke level pe dekhe to CA hai jo certified karta hai, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कंपनी एस्टेब्लिशमेंट से लेके लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू होता है. तो बोथ ऑफ देम हैव वेरी हाई प्रोफाइल, वेरी अनदर पॉपुलर कोर्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, दोज हु आर वेरी गुड एट थियरी, दे कैन गो प्रिफेयर दिस कंपनी सेक्रेटरी. एंड ऑल्सो दिस कंपनी सेक्रेटरी इन्वॉल्व्स लॉ ऑल्सो,
तो जिनको लॉ में इंटरेस्ट है वो भी ये कंपनी सेक्रेटरी को परस्यू कर सकते हैं. दिस इज सी एफ ए. इट इज ऑल्सो लाइक सी ए एंड सी एस ओनली, राइट? नॉलेज एंड स्किल्स फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इवेल्यूएट देयर बिजनेस प्रोजेक्ट बजट्स एंड अदर फाइनेंस रिलेटेड एंटिटीज. दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू एक्सपांड द वर्किंग नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंस, राइट? अब ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज थे वैसे ही अदर कोर्सेज भी हैं, क्योंकि कुछ बच्चे लोग अपना ये जो इंटरेस्ट है, अपने जो पसंद है वो फॉलो करने में पसंद करते हैं, तो वो लोगों के लिए भी ऐसे कोर्सेज है. जैसे जिनको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, दे मस्ट परस्यू बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग. होटल मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, बैचलर इन लिटरेचर है, बैचलर इन ह्यूमन रिसोर्सेज, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज है. ये सारे वो कोर्सेज है जिनको जिसमें पैशन है, जिनको बहुत इंटरेस्ट है, वो ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं, राइट? और अगर ये और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, आप जैसे बैंकिंग है, डिप्लोमा इन बैंकिंग है, राइट? फिर दूसरा है डिप्लोमा इन इंश्योरेंस है, तो यू कैन ऑल्सो परस्यू ऑल दिस कोर्सेज, राइट? नाउ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वो कोर्सेज में भी अलाउ किया गया जो ट्वेल्थ आर्ट्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जैसे बीए इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, बीए इन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, राइट? बीडीज इन मतलब डिजाइन इन एनिमेशन, डिजाइन इन डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन इन डिजाइन, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, एंड बीएससी इन डिजाइन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. So these all courses are available. Students just go into the depth, uska scope dekhiye, analyze kijiye, fir aapka capability ke mutabik aapko jo interest hai wo dekhiye, aap us course ko pursue kijiye. Okay, I hope you like this video, right? And like and share and subscribe karna bhuliye mat, right? Aur hum isi tarah koi bhi kuch bhi aapko query ho to you can comments mein likh sakte hain, पूछ सकते हैं आप हमको. और दूसरी बात, हम इसी तरह अच्छे वीडियोस, इसी तरह डिटेल वीडियो हम लेके आने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू गेट मोटिवेटेड, सो दैट यू गेट नॉलेज फॉर रिलेटेड ऑल दिस, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेटर फ्यूचर.